फाइनली यहाँ पे वीवो का V सीरीज का 30 स्मार्टफोन आप लोगों के सामने है। ये स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ देखी जा रही है वो है इसका डिस्प्ले प्रोसेसर। वन बाय वन करके मैं बात करूँगा यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7th Gen 3 प्रोसेसर की मिलने जा रही है और 720 GPU का मौजूद जो ग्राफिक्स एंड्रेनो है वो मिल रहा है। वहीं कैमरे के लेकर बात करूं तो इसमें V30 में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन टेक्निक से ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप है जिसमें 50 MP का प्राइमरी कैमरा और वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 MP का फ्रंट लेंस मौजूद है। बैटरी के मामले में V30 लंबी चलने वाली 5000 mAh की बैटरी जो फास्ट टेक्निक से चार्ज कर रही है। अब यहाँ पे वीवो V30 स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 14 पर फन टच OS 14 पर मिलने की बात सामने आई है। डिस्प्ले की बात करूं तो HDR इसमें कवर्ड एमोलेड और HDR 10 प्लस सपोर्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और यहां पे दोस्तों जैसे बताया जा रहा है कि जो Vivo V30 TDRA लिस्टिंग के हिसाब से कि इसमें TDRA सर्टिफाइड वेबसाइट पर V2318 मॉडल नंबर के साथ देखा गया है। लिस्टिंग में डिवाइस के नेम और मॉडल नंबर के अलावा कुछ और सामने नहीं आया है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म पर आने से का लॉन्च बेहद करीब है जो Vivo 35G VLAN NFC और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सपोर्ट करेगी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और जो कि मैंने इसके डिटेल्स में बताया है एक संभावित है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है कभी कभी क्योंकि जो सर्टिफिकेशंस के हिसाब से बताई जाती है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें प्रूफ हो जाता है कि जल्द से जल्द मार्केट में आने वाली है। हालांकि जो लॉन्चिंग की डेट बताई जा रही है वो आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ ही लॉन्च होने की तैयारी कर रही है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो तक के लिए, वीडियो अगर पसंद आ जाए फिर जब लाइक करना शेयर करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।